नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अपना मंडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आधार कार्ड हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। आधार कार्ड की इम्पोर्टेंस आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि जब भी आपने कोई सरकारी काम करवाना है, कोई नई गाड़ी खरीदनी है, बिजली का मीटर लगवाना है या बैंक से रिलेटेड कोई काम करवाना है, तो आधार कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आधार कार्ड से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियाँ ऐसी हैं दोस्तों, जिन्हें बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। ये जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप इन जानकारियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम ऐसी ही जानकारियों के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि ये जानकारियाँ काफ़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद हैं दोस्तों। कभी भी ज़रूरत पड़ने पर आप इन जानकारियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आपको ये जानकारियाँ पसंद आएँ तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इन जानकारियों का फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करेंगे uidai.gov.in। आधार कार्ड की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मान लीजिए आप अपने आधार कार्ड का अपडेट देखना चाहते हैं कि आपने अपडेट कब करवाया था और आपने आधार कार्ड कब बनवाया था। इसके लिए माई आधार पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे देखिए दोस्तों, सेकंड रो में आधार अपडेट हिस्ट्री, आधार अपडेट हिस्ट्री पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड की अपडेट हिस्ट्री प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो नया पेज खुला है दोस्तों, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी डाल करके अपनी अपडेट हिस्ट्री देख सकते हैं। वर्चुअल आईडी के बारे में मैं आपको अगले स्टेप में बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल आप ये देखिए, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और उसके बाद कैप्चा डाल देना है दोस्तों। आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा। ये ओटीपी हमें यहाँ पर डालना है और उसके बाद सबमिट का बटन दबा लेंगे दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने आधार अपडेट हिस्ट्री आ चुकी है। इससे हम जान सकते हैं कि कब हमने आधार कार्ड बनवाया था और कब हमने आधार कार्ड अपडेट करवाया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हम अपनी वर्चुअल आईडी किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। वर्चुअल आईडी के लिए फिर से माई आधार पर क्लिक करेंगे दोस्तों। थर्ड कॉलम की फोर्थ लाइन में वर्चुअल आईडी जनरेटर बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन करना है दोस्तों। लॉगिन के लिए अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा नंबर डालेंगे और सेंड ओटीपी का बटन क्लिक करेंगे। वर्चुअल आईडी दोस्तों 16 अंकों की होती है। एक आधार के लिए एक ही वर्चुअल आईडी जनरेट की जा सकती है। ये वर्चुअल आईडी हमेशा एक ही नंबर रहेगा दोस्तों, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप वर्चुअल आईडी का उपयोग करके आधार की सर्विसों का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हमने लॉगिन कर लिया है दोस्तों और नीचे बहुत सारे ये फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, जनरेट वर्चुअल आईडी, वर्चुअल आईडी पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं दोस्तों, जनरेट वीआईडी और रिट्रीव वीआईडी। जनरेट का मतलब है आप नई आईडी बनाएंगे और रिट्रीव वीआईडी का मतलब है जब आपने पहले से ही वर्चुअल आईडी बना रखी है तो दोबारा उसको आप हासिल करेंगे। मेरे पास वीआईडी पहले से ही है तो मैं रिट्रीव करूँगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मेरी वर्चुअल आईडी रिट्रीव हो चुकी है। अब जब आपको अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट करनी है दोस्तों, तो आप जनरेट वीआईडी बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों, आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आ जाएगा। जब आप ओटीपी यहां पर डालेंगे तो आप अपने मोबाइल के ऊपर अपनी 16 अंकों की वर्चुअल आईडी रिसीव कर लेंगे दोस्तों। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं कि आपका आधार नंबर कहां कहां पर इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, आपने कहां कहां पर अपने आधार के लिए ऑथराइजेशन दे के रखी हुई है। इसके लिए फिर से माई आधार पर क्लिक करेंगे दोस्तों और थर्ड कॉलम नीचे देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। यहां पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे दोस्तों कि आपने अपने आधार को कहाँ कहाँ पर ऑथेंटिकेट किया हुआ है इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों। अब ये वाला पेज हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड डालना है दोस्तों, या वर्चुअल आईडी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और सेंड ओटीपी का बटन क्लिक करेंगे। ओटीपी हमारे मोबाइल पर रिसीव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें अपना ओटीपी डालना है और यहाँ से हम देख पाएंगे दोस्तों कि कहाँ कहाँ पर हमारा आधार नंबर इस्तेमाल हो रहा है।
ये मैंने यहाँ पर अपना OTP डाल दिया है दोस्तों। ये छोटा सा एक फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको डालना है कि आप किस तरह की ऑथेंटिकेशन टाइप देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर ऑल कर दें, टाइम डाल दें, डेट कब से कब तक आप देखना चाहेंगे। मैं 2022 जनवरी पहली से डाल रहा हूँ, आज तक की मैं देखना चाहता हूँ, अपनी हिस्ट्री देखना चाहता हूँ, तो मैं आज तक की डेट यहाँ पर डाल दूंगा। और एक कॉलम में आप कितनी हिस्ट्री देखना चाहते हैं ये भी आप यहाँ पर डाल दें और सबमिट का बटन दबा देंगे दोस्तों। यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड कि यहाँ पर मेरे नंबर से किसी तरह की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं दी गई है दोस्तों। हो सकता है जब आप सर्च करेंगे तो काफ़ी सारा रिकॉर्ड आपके सामने देखने को मिल जाए। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में आधार कार्ड काफ़ी संवेदनशील चीज़ है, अगर आपका आधार नंबर किन्हीं गलत हाथों में चला जाए तो वो आपका नुकसान भी कर सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी किया जा सकता है। इसलिए अगर आप चाहें तो अपने आधार नंबर को लॉक करके रख सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से आप अपने आधार को लॉक कर सकते हैं। इसी मेन्यू में देखिए दोस्तों, लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। जब भी आप किसी बायोमेट्रिक पर अपना अंगूठा लगाते हैं दोस्तों तो वो चीज़ लॉक हो जाएगी और कोई आपके आधार का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब ये जो पेज सामने आया है दोस्तों, यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, आप इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। दोस्तों जब आप बायोमेट्रिक को लॉक करते हैं तो वो बायोमेट्रिक ही लॉक होता है, आपका आधार नंबर लॉक नहीं होता है। अगर आपने बायोमेट्रिक को लॉक कर दिया है और आप किसी सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपने OTP के जरिए उस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिस मेन्यू पेज के जरिए हम इस पेज के ऊपर पहुंचे हैं दोस्तों, वहां पर आधार को लॉक करने का भी फीचर है, वहां से आप अपने आधार नंबर को भी लॉक कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों एक चेकबॉक्स दिया है, इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबा देंगे दोस्तों, तो हमारे बायोमेट्रिक्स लॉक हो जाएंगे। इस मेन्यू पेज पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड कलर का लॉक लग चुका है हमारे बायोमेट्रिक्स पर। साथ में ही लॉक अनलॉक आधार की भी फीचर है दोस्तों, इसे क्लिक करने पर आप अपने आधार नंबर को भी लॉक कर सकते हैं या अनलॉक कर सकते हैं। अगर आप अपने बायोमेट्रिक्स को अनलॉक करना चाहते हैं दोस्तों तो दोबारा इसी पर क्लिक करेंगे। अब चेकबॉक्स को भी क्लिक करेंगे दोस्तों, नीचे दो ऑप्शंस दी गई हैं अनलॉक करने की। बायोमेट्रिक्स को आप टेम्परेरीली अनलॉक कर सकते हैं या परमानेंटली भी अनलॉक कर सकते हैं, जो भी आप चाहें चूज करें और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे दोस्तों तो बायोमेट्रिक्स अनलॉक हो जाएंगी। चलिए दोस्तों एक अगले स्टेप में चलते हैं। एक बार फिर से दोस्तों माय आधार पर क्लिक करेंगे, थर्ड कॉलम की 6th लाइन में देखिए चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप जान पाएंगे कि आपका आधार कार्ड कौन से बैंक के साथ लिंक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका आधार नंबर कौन से बैंक के साथ लिंक है तो यहाँ पर आप अपना वर्चुअल ID या आधार नंबर डालेंगे दोस्तों, साथ में कैप्चा डालना होगा और उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। OTP हमारे मोबाइल पर आ जाता है दोस्तों, ये OTP यहाँ पर डालेंगे और सबमिट का बटन क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हमारे सामने सारी जानकारी आ जाएगी कि हमारा आधार कार्ड कौन से बैंक के साथ लिंक है। ये देखिए दोस्तों सारी जानकारी सामने आ गई है, मेरा आधार कार्ड कोऑपरेटिव बैंक के साथ लिंक हुआ है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपने अपना आधार कार्ड या किसी दूसरे का आधार कार्ड अपडेट करवाया हुआ है लेकिन उसका मोबाइल नंबर आप भूल चुके हैं और आपको अपना मोबाइल नंबर का पता करना है कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर आधार के साथ अटैच किया हुआ है। तो आप इस बात का पता कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है कि अपने आधार कार्ड नंबर को वेरीफाई करना है दोस्तों। तो इसके लिए एक बार फिर से माई आधार पर आएंगे दोस्तों और वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर अटैच किया हुआ है, उस मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट आप पता कर सकते हैं। वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला पेज सामने आता है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, एक कैप्चा डालना है और प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इसके बाद आपके सामने ये वाली जानकारी आ जाएगी कि ये नंबर एग्जिस्ट करता है और साथ में नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा जिसके लास्ट के 3 डिजिट आप देख सकते हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने कौन सा नंबर आधार नंबर के साथ अटैच किया हुआ है।
एक और अहम जानकारी दोस्तों कि आप अपना आधार कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जब आपने अपना आधार कार्ड नया बनवाया या जब आपने अपने पुराने आधार कार्ड को अपडेट किया है तो काफ़ी दिनों तक वह आधार कार्ड आपके घर तक नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको माई आधार पर जाना है और नीचे देखिए डाउनलोड आधार कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप एक और नए पेज पर आ जाएंगे। अगर आपने अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया है तो आपके पास आधार नंबर भी होगा और एनरोलमेंट आईडी भी होगा और साथ में वर्चुअल आईडी भी होगा, तो आप इनमें से कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने नया आधार कार्ड बनवाया है तो आपके पास आधार नंबर नहीं होगा दोस्तों, आपके पास आधार सेंटर द्वारा दी गई एक एनरोलमेंट आईडी स्लिप होगी, उस स्लिप में 28 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी होगा, वो एनरोलमेंट आईडी आपको यहाँ पर डालना है, साथ में कैप्चा डालना है, मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी भी डालना है दोस्तों, और सबमिट का बटन आपको क्लिक कर देना है, तो आपके मोबाइल पर या आपके कंप्यूटर पर एक मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का और साथ में आधार कार्ड की पीडीएफ फाइल अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल में आप अपने नाम के पहले 4 अक्षर कैपिटल में और अपना बर्थ ईयर पासवर्ड के रूप में डालेंगे दोस्तों, तो आपके कंप्यूटर पर ये फाइल खुल जाएगी।